हेलो दोस्तों, कल मजा आई थी ना, कलर की बात हुई थी। ऐसा जीवन कलर में ही होना चाहिए। अलग अलग समय पे अलग अलग कलर का प्रभाव हमारा जीवन में होता है, वास्तविक जीवन में तो बहुत होता है। आज भी कलर की और आकार की बात करूंगा। हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं। पहला था रेखांकन, सेकंड कलर, और अब हम आते हैं आकार पे। कलर के थोड़ा बाकी रह गया कहूंगा। कलर सुनने तो बहुत इंजॉय मिलता है, तो करने में कितना मिलता होगा। रंग बिना सब सुना संसार, और मेरे जैसे को तो लोग रंगीला भी बोलते हैं। रंगीला बहुत मजा है। रंगरेज, हमको रंगरेज भी कहते हैं, सौराष्ट्र में रंगरेज कहते हैं, जो कलर करते हैं उसको रंगरेज कहते हैं। हमारे यहाँ पेंटर का भी मीनिंग लोगों ने चेंज कर दिया है, हमको पेंटर कहने में शर्म भी आती है। रियल क्योंकि पेंटर यहाँ ये लोग के लोग सामान्य समझते हैं कि साइन बोर्ड करते वो पेंटर है, राइट? वो तो सही पेंटर है, अच्छा पेंटर वही है, काई ट्रेनिंग नहीं लिया है, लोग की मांग प्रमाण कर देता है और पेंटर, और रियल कलाकार थॉट कलाकार है। पेंटर कहीं गलत नहीं है, अंग्रेजी शब्द है। हम यहाँ एक प्रॉब्लम यहाँ है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई पण शब्द जो होता है वर्ड्स, उसका मीनिंगलेस बहुत कर देते हैं। वो मैं कहूंगा एक टाइम उसका भी आएगा कि क्या क्या मीनिंगलेस, क्या क्या शब्द का कैसा मीनिंगलेस कर देते, रॉन्ग समझ लेते। ऐसे पेंटर को भी रॉन्ग समझते, इसलिए हम जो रियली पेंटर हैं तो हम पेंटर नहीं कहते, आर्टिस्ट कहते हैं। आर्टिस्ट तो बहुवचन बहुत हो गया है, कोई भी कलाकार करता है उसका, स्कल्पचर हो, राइटर हो, यानी कला करते हैं उसको, सबको आर्टिस्ट कहते हैं। छोटा सा दर्जी काम कहते हैं उसको भी आर्टिस्ट कहते हैं, वो पता है सबको आर्टिस्ट कहते हैं। वो हम पेंटर एक अलग ही है, हम रियल पेंटर है। विदेश में जिसके मूल भाषा है ना, वो पेंटर ही कहते हैं। वहां आर्टिस्ट जनरल शब्द है। चलो वो बात बाद में, अभी कलर की बात करता हूँ। कलर पेंट में क्या इम्पोर्टेंट है और फॉर्म के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो तो सब जो करते हैं वो तो जानते हैं। मैं उसके लिए कहता ही नहीं। पहली बात तो जब मैं कॉलेज में था तो बोलता था कि मैं जो अप टू डेट फंडामेंटल को लेकर काम करता है उसको करने देता, उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उसको कहने की जरूरत भी नहीं। जिसको पानी की जरूरत उसको पानी दो तो ठीक है, दूसरे को दो थोड़ा सा पैकेट डाल देगा। जिसको खाना जरूरी है उसको दो दो बराबर खाएगा, पर जरूरी है तो आपकी फॉर्मेलिटी आपका सम्मान के लिए लेगा, थोड़ा सा खाकर छोड़ देगा, जरूरी है। ऐसे ये भी है जो मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये लोगों को मेरा बकवास भी लगेगा, मुझे कोई दुख नहीं है। नहीं, महादेव बिना कपड़े घूमते थे, जंगली वस्त्र पहन के घूमते थे, तो क्या वो भगवान नहीं है? यीशु भगवान धोती पहन के घूमे थे, बाल भी नहीं कटाया था, तो क्या वो भगवान नहीं बने हैं? वो जिसके लिए है उसके लिए भगवान है, जो नहीं मानते उसके लिए नहीं है। ऐसे मैं बोलता हूँ, जिसको जरूरत है वो बराबर सुनेगा, बराबर पूछेगा, बराबर कहेगा, लाभ उठाएगा। जरूरत नहीं हो तो चाहे ना कहूँ तो भी अनसुना कर देगा। ये इसके लिए समय में नहीं देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, जिसने कॉलेज देखी नहीं है, जिसको आर्टिस्ट ने सुना नहीं है, जिसको आर्टिस्ट का पूर्व ज्ञान मिला नहीं है, जिसको करने का बहुत इच्छा है पर सही मार्गदर्शन मिलता नहीं। एक परसों मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे फेसबुक पे लिखा था कि सर मुझे आपका गाइडलाइन की बहुत जरूरत है, मुझे फिल्म तब से ज्यादा हुआ, मुझे आपके साथ रह के कुछ करना है,
भी कर रहा हूँ वो भी आपको मैं भेजता हूँ, आगे क्या करना, ऐसे तो बहुत सारे कहते हैं फेसबुक पे, बहन भी बहुत सारे कहती है। पर एक फेसबुक पे है, एक वॉइस है, एक राइटिंग है, सब एयर द्वारा है, है भगवान बीच में, इंटरनेट यानी भगवान बीच में है, वाया होके आता है। पर मैं ये कितना कैसे कह सकूं, कितना समझा सकूं, बहुत दूर है हम लोग एक दूसरे, कहां कहां है, कोई आसाम से है, कोई बंगाल से है, कोई साउथ से है, कोई कश्मीर से है, कोई राजस्थान से है। हो सके इतना हम इंटरनेट का यूज करके, ऑनलाइन का यूज करके हल्का, पर मैं सोच करके थोड़ा कुछ कर सकते हैं, वो मेरा कहने का यहाँ है। तो पेंटिंग में कलर्स कैसे भरना, कैसे देना, वो तो आप चालू करोगे तो काम से काम सिखाएगा। पहले चालू करो, कुछ बनाना चालू करो, सिंपल फॉर्म बनाओ, हार्ड बनाओ, किसका जो देखा वो आप इंस्पायर होके मत बनाओ। देखो, देखने से ज्यादा सुनने से आता है, जितना आप सुनोगे याद रखोगे इतना आप करने के प्रोत्साहित होगा, जितना आप तो देखोगे इतनी कॉपी करने के इच्छा होगा। देखो तो ओपन देखो, कोई बनाया हुआ स्टडी करो, कॉपी नहीं, फीलिंग करो, कैसे कैसे उसने कलर अप्लाई किया वो करो। परंतु जो है वो आपके सामने वो बनाओ, आपके घर में है, आपके घर के बाहर है, मोहल्ला है, गली है, पत्थर है, झाड़ है, ट्री है, बर्च है, कई चीज हो उसको बनाओ, स्केच करो, वैसे बनाओ। स्केच यानी चिड़िया जो है या बर्ड्स को है इसकी कॉपी करना, ये स्केच नहीं कहते, स्केच आपको बर्ड कैसा आता है वो बनाओ, आपको ट्री कैसा आता वो बनाओ, ट्री देखो, क्योंकि कंपोज के लिए देखना जरूरी, जिससे कंपोजिशन हो, फॉर्म आकार की बात कर रहा हूं मैं आप आकार कैसे कस्टअप करके लाना है पेपर पर कैनवास पर उसकी बात कर रहा हूं। तो एक खुद का बन जाएगा, घर में कुर्सी है, टेबल है, कबोर्ड है, या कुछ भी है, मंदिर जैसी चीज है, कोई भी वो बनाने का आपके हिसाब से ट्राई करो। वो जो है वैसा बने जरूरी नहीं है, नहीं फील करना बस, आउटलाइन करके उसमें कलर आपके हिसाब से करें, आपको जो फील होता है वो करो कि हम मंदिर में बैकग्राउंड में कैसे भरे, उसके पीछे क्या भरे, जो सपोर्ट है आपके सामने देखा है उसके हिसाब से भी भरो। ऐसा फॉर्म का आकार का कंप्लीट ड्राइंग स्केच करते हैं और कलर भरना चालू करो, और कलर हो जाए पूरा बाद में दूर रख के देखो, क्योंकि दूर से जो आपको उसके असर दिखाई देगा वो नजदीक से नहीं दिखाई देगा। पेंटिंग हमेशा, चित्र हमेशा दूर से देखो, तो फॉर्म का प्रोपोर्शन ख्याल आ जाएगा, प्रोपोर्शन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो, साइज के हिसाब से कंपेयर करो, प्रोपोर्शन ले। ये मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, तो इसमें आया है आकार, आकार को आपको कैसे रखना है, कंपोज करना है, कंपोजर फॉर इस, देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम फंडामेंटल में कैसे जा रहा वो कह रहा हूं। फंडामेंटल अंदर कैसे प्रवेश करे आपको पता भी नहीं चलेगा, पिछले दरवाजे से वो आएगा। देखो कंपोज आ गया, आकाश से कंपोज आया, रेखा से रंग आया और आकाश से कंपोज आया। आकार अलग अलग तीन चार लेके आप अरेंज करो उसको कंपोज कहते हैं। कंपोज का अलग अलग प्रकार होता है, ये सब मैं स्टडी करा रहा हूं। जो आप खुद मेमोरी करके करो वो भी एक आपका खुद का हुआ, कभी किसी की याद शक्ति बहुत होती है। आप कहीं बाहर घूमने गए, कोई फीलिंग आपने देखा, एक बछड़ा उसकी माँ को
दूध पी रहा है और एक लेडीज उसका दूध निकाल रही है, और एक आपने देख लिया तो पीछे भी क्या है आगे भी क्या है वो भी देख लो, देख लिया यहाँ देख लिया मेमोरी कर देना। और कंप्यूटर हमारे मगज में से आया है, मेमोरी कर दो, घर पे आओ और मेमोरी खोलो, ओपन करो और आपका सादा पेपर में उसका फॉर्म का ड्राइंग करो, जैसे गाय बने जैसा बछड़ा बने जैसे वो पिकर बने दूध निकालती है जैसे गाय घास खाती है जो आपको माइंड में घुटन पट्टी करने की कोशिश नहीं करना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मोस्ट ऑफ 50% पेंटिंग कृष्ण भगवान का जीवन पर बना रहे हैं, बनना चाहिए, बहुत बनना चाहिए। इसमें जब गाय आएगी नेचुरली उसको तो गोवर्धन कहते थे, गोवर्धन यानी एक पर्वत का नाम था, उसको ऊपर उठाया था और ध्यान को नीचे रखा था, पानी बहुत आया था तो उसका फ्रेंड लोगों को दोस्त को सबको नीचे बुला लिया था, तो एक शेष नाग का उसका सर्कल करके पानी अंदर ना आए, इस भगवान एक अंगली पर पूरा गोवर्धन उठा लिया था। मैथोलॉजिकल स्टोरी, एपिक भागवत कथा की स्टोरी है। तो उसको आप कैसे कंपोज करते हो देखो, छाप तो हजारों मिल जाएगी, गूगल में डालो ना चार चार पेज भरा हुआ इमेज मिलेगा, कृष्ण ही गोवर्धन सब सब्जेक्ट नहीं वो नहीं, आपके हिसाब से मैनेज करके बनाओ, इसमें यही आएगा, ट्री आएगा, मछरा आएगा, फिगर आएगी, ऐसा कुछ बनाओ, इसको कहते फॉर्म आकार, वो बनाओ उसको कंपोज कहते हैं, कंपोज बैलेंस सेंट्रल कंपोज अलग अलग, जैसे कॉलेज में पढ़ाते बोलते ऐसे अलग अलग करते हैं, ऐसे बनाओ। हब कलर की बात आई है, तो कलर में तो मोस्ट ऑफ आप जो देखा वही बना गए, क्योंकि बचपन से जो हम देखते आए वही बनाएंगे कलर, तो आप कुछ हटके बनाओ, इसमें टेक्सचर डालो, जो आया मैं बोला ना विंडो से कैसे आएगा फंडामेंटल आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे हम बैंगन खाते हैं सारा जो सारा विटामिन होते हैं हमको थोड़ा पता है, अंदर जाएगा उसका डाइजेशन होगा, जो जो तत्व हैं वो ऑटोमेटिक ब्लड में जाएगा बॉडी में जाएगा, ऐसा ही है पेंटिंग करोगे फंडामेंटल अंदर एंट्री कब करेगा आपको पता है, क्योंकि सब फंडामेंटल को आपको पूरा नॉलेज होगा, पूरा न्याय दोगे, पूरा न्याय ने बोला ना बैलेंस कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट सात तत्व हैं, मैं लाइन में बोलूंगा। अभी एक चित्र का वर्णन कराओ, पेंटिंग की स्वरूप आप कैसे तैयार कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, वो जरूरी है, सिंपल बात है। मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है तो मैं छोटा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि आपके घर में एक चेयर है, चेयर को बनाओ और सेम है, क्योंकि सिंपल शुरू करो तो बहुत अच्छी बात है, हमारा फोक आर्ट में सिंपल फॉर्म ही होता है, इसमें भी एक गाय आती है उसकी गाय बिल्कुल सिंपल है, ट्री आता ट्री का पत्ता बिल्कुल सिंपल है, कलर बिल्कुल प्राइमरी है, रेखांकन बिल्कुल बोल्ड और सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन से बेस्ट है, बेस्ट है, जोने में देखने में ज्ञान वाला भी समझ जाता है, बच्चा भी समझ जाता है, बुढ़े भी समझ जाते, सबके लिए आदिवासी भी समझ जाते, एकदम पीएडी डीडी जो किया है वो भी समझ जाते, सब समझ जाते, इसमें कोई अपील नहीं आती, कोई डिस्कशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। तो सिंपल कलर्स सब लेके भर दो, थोड़ा सा आपको जो करना है करो, तो इसमें टेक्सचर आया, शेडलेट आया, टनल वैल्यू आया, सब जो मैं बोलता हूँ सब आया, करने से एक धीरे 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 आपका खुद की कलाकृति तैयार होगी। आप ये नहीं सोचो कि मैं कंटेम्पररी वर्क नहीं कर रहा हूँ, पहले तो निकाल दो माइंड में से, जो होता कंटेम्पररी का मीनिंग क्या है पता है, समकालीन, अभी जो हो रहा है ओ
वो पोर्ट्रेट भी समकालीन कहते हैं, लैंडस्केप भी समकालीन होता है। एक मानसिक तैयारी ऐसी कर दिया है साइकोलॉजी, कंटेम्पररी लेवल मॉडर्न तेरा मेरा कर दिया कंटेम्पररी, नहीं कंटेम्पररी इंग्लिश वर्ड्स हैं, इसका प्योर भाषांतर करो तो उसको समकालीन कहते हैं, समकालीन कला। तो समकालीन कला तो जो कोई करते हो सब समकालीन होता है, इसमें एक क्वालिटी पद्धति से पहचान क्रिटिक लोगों ने किया है, ये सब झंझट ने क्रिटिक लोगों करते हैं, आर्टिस्ट ज्यादा नहीं करते, आर्टिस्ट काम करता रहता है उसको जैसा लगे वो कहता है। कोई वेस्टर्न इंस्पायर होकर करते हैं, कोई कंट्री के माहौल को इंस्पायर लेके करते हैं, कोई नेचर को इंस्पायर लेके करते हैं, कोई खुद का जो कल्चर है उसको इंस्पायर लेके करता है, कोई शास्त्र को इंस्पायर लेके करता है। आर्टिस्ट को तो एक ही है, काम करना है कोई भी हिसाब से, मुझे मॉडर्न आर्टिस्ट का है या कंटेम्पररी का या एब्स्ट्रैक्ट का है या लैंडस्केप आर्टिस्ट का या पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, वो सब सब्जेक्ट हैं अलग अलग फील्ड का काम करने का। इसके मीनिंग ये नहीं कि कंटेम्पररी में नहीं हो, क्या मॉडर्न, मॉडर्न मॉडर्न क्या, मॉडर्न भी आधुनिक हुआ और कंटेम्पररी हुआ समकालीन इसे कोई कंफ्यूजन करने की बात ही नहीं है, जो कंफ्यूज हुए उसको करने दो, हम उसको ना नहीं बोलते, अच्छा करते वो भी अच्छा करते, उसको भी स्टैंड चाहिए स्टैंड के हिसाब से करता है, आप भी धीरे धीरे स्टैंड के हिसाब से करो, पहले करो तो सही, मेन वस्तु ये है। तो फंडामेंटल्स पहले रेखा, बाद में रंग, बाद में फॉर्म यानी आकार, बाद में स्पेस, कंपोज लिखना तो लिखो, कंपोज बैलेंस कॉन्ट्रास्ट छाया प्रकाश पोर्ट यानी सरफेस, ऐसा सब मिलके 10-12 तक आ गया तो परफेक्ट हो गया, रियलिस्टिक हो गया, जिसको कहते हैं रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। लियोनार्डो डा विंची जिंदगी आके का 96 ईयर्स ओल्ड था जब ऑफ हुआ था, पूरी जिंदगी उसने जो काम किया ना आधा अधूरा रहा, फिनिशिंग वर्क इसका 15-16 पेंटिंग है, इसमें बहुत फेमस है मोनालिसा, पोर्ट्रेट मोनालिसा, बहुत बड़ा नहीं है, 2.5 फुट by 3 फुट के आजू बाजू है, लोहरे म्यूजियम में ओरिजिनल है नहीं है पता नहीं, बहुत सारे बस चोरी हो गए फिर वो जगह पर आ गए ऐसे कहते हैं। वो मोनालिसा जो बनाया, मोनालिसा इसका नाम क्रिटिसाइज लोगों ने, यानी आर्ट का जो लिखावट करते उसने अलग अलग ढंग से किया है, इसमें बाद में जाएंगे। तो कहना का मतलब है को रियलिस्टिक रियलिज्म या इंडिया में भी रेनेसांस पीरियड आया था, राजा रविवर्मा ने इंडिया में जो पेंटिंग बनाया वो एक रेनेसांस पीरियड का था, वो वेस्टर्न की इंप्रेस से वो टाइप का वर्क करता था, हम अभी वेस्टर्न इंस्पायर होकर जैसे क्यूबिज्म करते हैं ऐसे करते इसको मॉडर्न की तो करते हो, हमारे कोई हमारे वक्त से इंस्पायर ही पता नहीं, मातृश्र इंडिया ने इंडिया को पूरा एक आर्ट फॉर्म बताया था, इंडिया पूरा एक आर्ट है, पूरा एक आर्ट, पूरा पूरी भूमि आर्ट है, जहाँ देखो यहाँ कलर 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 ही दिखाई देते, इतना मस्त इंडिया मातृश्र को लगा था, नाम सुना हो ठीक है, नहीं सुना तो सुन लेते, हम लोग कभी मेरा जैसा बोलेगा तो यार इसने बाहर देखा ही नहीं तभी ये बोलता है तो मुझे भी, मैं राजस्थान बहुत घूमा हूँ, बहुत घूमा हूँ, राजस्थान स्केच ड्राइंग बहुत किया है, जैसे मेरे मुझे दिल में है चित्तौड़गढ़ ये सब बहुत घुमा हूँ, बहुत स्केच किया, बहुत राजस्थान पूरा रंगीली में 82 में एक टूर निकाला था, उसके बाद में घूमा
अभी ये फंडामेंटल के बाद आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं विराम करता हूँ। थैंक यू।